and what will be the surface charge density on the inner surface and the outer surface? तो अगर हम induction की बात करें और मान लेते हैं कि हमारे पास charge plus q है center पर तो हमारा जो charge होगा इस पर inner shell पे वो क्या हो जाएगा negative? क्योंकि induction हो रहा है induction की वजह से ये वाला charge होना चाहिए हमारा negative और अगर हम बाहर की बात करेंगे induction की वजह से वो कैसा होगा पॉजिटिव अब हमें बताना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है हमारी इनर सरफेस पे तो इनर सरफेस की अगर आप बात करो सरफेस चार्ज डेंसिटी की तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को ऐसे लिखा जाता है इनसाइड द सरफेस इनसाइड द सरफेस क्या होगा चार्ज कौन सा है हमारा इनसाइड द सरफेस इट इज माइनस क्यू ओवर फोर बाय आर वन स्क्वायर क्योंकि रेडियस अगर आप देखो सेंटर से यहाँ तक का तो आर वन है आर वन का स्क्वायर हो जाएगा अगर हम बाहर की बात करें सरफेस चार्ज डेंसिटी की तो आपका चार्ज कैसा है बाहर सरफेस पे इट इज़ प्लस क्यू ओवर फोर पाए आर टू स्क्वायर आर टू क्यों लिया क्योंकि यहाँ से सेंटर से लेकर कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है आर टू सो देव फो आर टू स्क्वायर या दैट्स इट दिस इज़ द पार्ट For question number fifty, let's now start with question number sixty.